हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे। नमस्कार हम आप सभी को। और आज मैंने स्पेशली एक वीडियो बना रही हूँ। ईशा लाइफ के कुछ प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं और वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की अभी तक, तो कुछ इस टाइप से मेरा पार्सल आया है पैक होके। स्पेशली मैं वो ऑर्डर करने वाली थी जो अभी प्रसादम मिल रहा था महाशिवरात्रि के लिए। तो महाशिवरात्रि का प्रसादम में काले तिल के लड्डू हैं, वो आए हैं, तो इसलिए मैंने ये जो थोड़े बहुत स्टफ मंगाने थे वो मैंने ऐड कर लिए, एंड प्लस प्रसाद भी आ गया। तो मैं अभी तो ऑटोफेजी पे हूँ, मैं तो नहीं खा सकती, पर घर पे सब प्रसाद खा लिए, इसके अकॉर्डिंग मैंने प्रसाद ऑर्डर किया है। तो महाशिवरात्रि की नाइट जो थी उसमें अनाउंस हुआ था कि प्रसादम मिलेगा, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये देखिए पूरा इस तरह से पार्सल पैक होके आया। ये है बिल, एंड सदगुरु का जो कैंपेन चल रहा है सेफ सॉइल, उसका पूरा वो है QR कोड के साथ। ओके, तो वन बाय वन मैं प्रोडक्ट्स सारे दिखाती हूँ आपको। एक मैंने ये मंदिर के लिए देवी का वस्त्रम है, ये मेरे पास जो फोटो है ना उसके लिए मैंने ये वस्त्रम मंगाया है। तो ये मैं देवी को ये फ़ोटो इससे कवर करूँगी, मैं देख लूँगी ये कैसे यूज़ किया जाता है, बट ये प्रॉपर उससे ही कवर करने के लिए ये रेड वस्त्र है। एंड मेरा फेवरेट इटली पोडी जो गन पाउडर होता है वो है, ये 50 रुपीज़ का पैक है और सीरियसली बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ओरिजिनल इसका ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट है। एंड नेक्स्ट मैंने मंगाया है अडाई मिक्स काइंड ऑफ डोसा है ये। ये मैं फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया और मुझे लगता है कि इसके प्रोडक्ट्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं, तो मैंने सोचा अडाई मिक्स ट्राई करके देखते हैं कैसा है। जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता बनाना हो तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है, मिक्स है, आपको खाली मिक्स करके यूज़ करना है। तो आई थिंक ये अपना जो बनेगा तो मैं इसकी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करूंगी मेरे व्लॉग में। एंड फिर मैंने मंगाई है ये है सुक्कू बनाम, मतलब ये सुक्कू कॉफ़ी एंड टी का, अगर आप कॉफ़ी और टी नहीं पीना चाहते, उसको रिप्लेस करना चाहते हो तो अभी सुक्कू मंगा सकते हो। ये 50 रुपीज़ का है, 9 मंथ इसका एक्सपायरी डेट है, एंड इसमें ड्राई जिंजर, पेपर, कोरिएंडर एंड कार्डमम है। तो वेरी हेल्दी बिकॉज इसमें ये जो आइटम है इससे वेट लॉस भी होता है। तो ये रहा सुक्कू टी और कॉफ़ी, रिप्लेस कर सकते हैं अपने। और ये है जीव लिंगम लेगम, आई डोंट नो सो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट ये वन काइंड ऑफ ये वो है चमन प्राश होता है ना वो है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता, मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहती। तो ये हो गया जीवा लेग्यूम, हाँ जीवा लेग्यूम करके लिखा है। ये 290 रुपीज़ का है, 1 ईयर्स का एक्सपायरी डेट है, और इसको आप जो है 2-3 टीस्पून ले सकते हो। तो ये एक्चुअली मैंने पार्थिव मंगाया है, इसमें आंवला एंड ऑल सारी चीज़ें हैं, जैगरी एंड घी। तो मैंने एक बार ट्रायल के लिए ये छोटा पैक मंगाया, आई थिंक इसमें बड़ा पैक भी था, अगर इसका टेस्ट अच्छा होगा तो मैं बड़ा पैक मंगाऊंगी। फिर ये है पंचभूत, यस ये पूजा के लिए मैंने मंगाया है, धूपबत्ती टाइप का, मतलब इतने बड़े बड़े कॉइन्स वाले हैं पूजा के लिए। तो इसकी इसका रिव्यू बहुत अच्छा था और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो कुछ ना कुछ मुझे एसेंस चाहिए होता है घर के लिए, तो ये हर्बल एसेंस कॉइन्स है और ऐसे जो शेप होता है ना छोटा धूपबत्ती वाला वैसा वो है। तो ये है 80 रुपीज़ का, इसका मैं प्राइस बता दे रही हूँ ताकि कितने लोगों को रहता है कि प्राइस भी आप शेयर किया करूँ। और मैंने ये मंगाया था प्रसादम, फाइनली छोटा पैक ही मैंने मंगाया था प्रसाद का, तो ये प्रसादम आ गया है और अभी मैं इसको पार्क को खिलाऊंगी। एंड ये अभी भी आई थिंक ऑनलाइन मिल रहा होगा, उस दिन तो हाईलाइट्स में था ऊपर ही ईशा शॉपी में। आप लोगों में से बहुत लोगों का मेरा ईशा का जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था जब मैं कोयम्बटूर से आई थी, बहुत पसंद किया, उसमें बहुत कमेंट्स आते कि आपने ये कैसे लिया, आप ऑनलाइन लिंक शेयर करो, ईशा शॉपी पे चल जाओ, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं तो उसमें आप जाके शॉपिंग करो, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और हाँ ये कपूर मैंने मंगाया है,
लिंग भैरवी कपूर ये वाला, तो ये अच्छा है, नॉट फॉर मेडिकल यूज़ लिखा हुआ है, पर इसका रिव्यू भी आई थिंक मैंने चेक किया था तो अच्छा था, 125 का है ये कपूर। मेरा कपूर फिनिश होने वाला था तो मैंने ये ऑर्डर किया। एंड ये है कस्तूरी सेंट सैशे, हाँ तो ये मैंने घर में हैंग करने के लिए ये सैशे मंगवाया है ताकि खुशबू अच्छी बनी रहे, एंड आई थिंक इसमें से बहुत ही अच्छी एसेंस आ रही है। पार्ट ट्राई दिस, कैसी है खुशबू, बहुत अच्छी है ना, अच्छी है। पहले इंग्रेडिएंट इंग्रेडिएंट चेक करो आप, तब तक मैं और वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। एंड ये मैंने फूड स्क्रब मंगाया है एलोवेरा का, मेरे लेग्स बहुत ड्राई हो रहे हैं और बहुत कट मतलब फट जाते हैं ना वैसे हो गए, तो मैंने ये मंगवाया है ट्रायल के लिए। तो ये है फूड हैंडमेड फूड स्क्रब एंड इट्स कितने का है, 180 का है। तो इसका कैसा होगा रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पैकिंग बहुत नेचुरल है, चेक दिस। एंड हाँ तो घर में कुछ ना कुछ, ये कुकीज़ मैंने ये वाली जो थी रागी वाली ये मैंने वहाँ ट्राई की थी कोयम्बटूर, मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने वन पैक ये कुकीज़ मंगाई है। एंड दूसरी मैंने मंगाई है नव ध्यान, मतलब 9 तरह के अनाज हो गए इसमें, मल्टीग्रेन कुकीज़ है, ये दोनों लो फैट है। तो ये दो पैक मैंने कुकीज़ मंगाई है एंड आई थिंक वन पैक कुकीज़ का रेट जो है 50 रुपीज़ का है, तो अच्छी है खाने में पता चलता है, हाँ सही है इसका टेस्ट एंड ऑल। नेक्स्ट ये मैं खोल के देखती हूँ क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा, पैकिंग की भी है इसको, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे खोलने में। तो जब मैं ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो फिर अच्छे से प्लेस कर देती हूँ ताकि मुझे बार बार कुछ ना मंगाना पड़े, एक बार में सारा आ जाए। मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, दो अलग अलग पैक में आया है। और जो दिया था ध्यान लिंक वाला वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मे बी फिर स्टॉक में आए तो आप लोग चेक करिएगा। ओ हाँ ये कैंडल मैंने मंगाई है, मुझे बहुत ही फ्रेगनेंस भी है, ये देखिए ईशा हैंड मेड इन इंडिया, ईशा क्राफ्ट्स की तरफ से है ये वाला कैंडल 240 का। तो ये देखिए पूरा साइड से पूरा ब्रास का है और ये बहुत क्यूट है, सीरियसली बहुत अच्छा लगा था मुझे ब्रास के स्टफ बहुत पसंद है तो मैंने सोचा था ये कैंडल मंगाती हो। तो रेट वाइज भी सही है और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, तो ये मैं ऑन करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में जब भी ऑन यूज़ करूँगी। तो मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है। ये नेक्स्ट स्टॉप देखते हैं क्या है, ये भी कुछ ब्रास का ही मैंने मंगाया मुझे लगता है। ओके हाँ तो ये मैंने मंगवाया है पार्थ के लिए, ये है आईज मॉर्निंग में डीप करने के लिए, इस टाइप का किट है पूरा, सी ये ऐसे अभी कैसे लगाते हैं वो मुझे चेक करना पड़ेगा। स्टैंड है क्या ये, ओके दिस वन इज कैप, तो ये कैप है ऐसे इसका, तो ये कॉपर का पूरा बना हुआ है, प्योर कॉपर है, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ ठीक से, प्योर कॉपर का। ये आई कप्स है तो लेफ्ट आईज और राइट आईज दोनों के लिए अलग अलग कप है, तो आपको सुबह मॉर्निंग में इसमें जल मतलब पानी से भरना है और अपनी आईज डीप करके ऐसे क्लीन करनी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट थिंग है ये, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गैजेट वगैरह यूज़ करते हैं और पढ़ाई वगैरह, तो उनकी आँखों में बहुत प्रेशर आता है एंड पार्क के मतलब स्पेक्ट्स भी लगे हुए हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए मंगाया है। अगर ये यूज़ करने से उसको कुछ फ़ायदा हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि, बट ये किट बहुत अच्छी लगी मुझे क्योंकि कॉपर बेस्ड है और वेरी मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है और काफ़ी हैवी वेटेड है, हल्का नहीं है, वेटेड है प्रोडक्ट। तो ये मैंने मंगाया है क्योंकि किड्स के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मंगाती रहनी चाहिए जिनसे आयुर्वेद से और अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनसे उनका कॉन्टेक्ट बना रहे, तो इस टाइप की चीज़ें उनको यूज़ करवानी चाहिए। तो आई होप वो एक कप यूज़ कर पाए, उसको मुझे कुछ दिन गाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा ये कप है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी की हुई है एंड ये आप कप भी अगर आपको ये ऐसे रखना तो रख सकते हो, प्लेट आप पूजा में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छी फिनिशिंग दी हुई प्लेट, बहुत क्यूट लग रही है प्लेट, तो बहुत अच्छा है ये आइस के लिए। और इसको आपको डिप करके रखना होता है कुछ सेकंड मिनट ऐसा कुछ होगा, इंस्ट्रक्शन मुझे देखना पड़ेगा। तो एक ये चीज़ हो गई एंड ये देखिए ये क्या मैंने मंगाया, हाँ एक ये मैंने समरानी इन काउ डंग कप्स मंगवाए, ये मेरा फिनिश हो गया था, मैंने लोकल मार्केट से लेके आई थी
तो मैं परफेक्टली डेली यूज़ करने लग गई थी, तो फिर मैंने इसके बाद ईशा लाइफ का ऑर्गेनिक सम्रानी मंगाया है, ये देखिए इस टाइप से। तो सदगुरु के वीडियो में गाइड किया हुआ है इसमें यूज़ कैसे करना है, वो इंस्ट्रक्शन एंड ऑल थिंग्स दी हुई है। तो सदगुरु की दो तीन वीडियो में उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपको अपने घर में क्या कहते हैं सम्रानी ज़रूर जलानी चाहिए, इससे क्या कहते हैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है घर में और बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, और घर में जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो सब भी आई थिंक इससे जो है कम हो जाते हैं। तो सम्रानी जलाने के लिए सदगुरु के ही वीडियो में रिकमेंड था, एंड ये 140 का है, एंड कप में प्राइस कितना लिखा हुआ, हाँ तो ये 1100 का कप है जो कॉपर वाला मैंने ऑर्डर किया, आइस वाला जो था, ईशा लाइफ का प्रोडक्ट है ये, एंड ये भी सम्रानी ही है दूसरा पैक। तो मैंने दो पैक सम्रानी ऑर्डर किया क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता है, डेली हम जलाते हैं, तो एक बार दो पैक मैंने मंगवाया सम्रानी। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस बार मैंने पूजा पाठ की चीज़ें ज़्यादा मंगवाई हैं, प्लस दो चीज़ें थोड़ी बहुत हैं होम डेकोर और खाने पीने की चीज़ें मिक्स करके मंगवाई हैं मैंने, और हेल्थ केयर के हिसाब से भी है जैसे कि चमनप्राश हो गया, एंड एक ये जो मुझे लगा ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, सेंट जो हम अपने आर्टिफिशियल ये सारी चीज़ें हैंग करते हैं उससे बेटर मैं मानती हूँ कि कुछ नेचुरल चीज़ें हैंग करनी चाहिए। तो आई थिंक मैं ये पार्क के रूम में हैंग करूँगी ताकि अच्छी नेचुरल फ्रेगनेंस उसके रूम में रहे, और बच्चों को अच्छी फ्रेगनेंस अगर रूम में रहती है तो बहुत अच्छी नींद आती है एंड इन्वायरमेंट अच्छा रहता है उनके रूम का। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कस्तूरी इसका है सेंट, बहुत अच्छी खुशबू है, सीरियसली बहुत अच्छी खुशबू, ज़रूर आप ये तो ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, बहुत अच्छा है ये इसका फ्रेगनेंस। एंड ये स्क्रब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये फूट वाला स्क्रब जो है, इसमें सोप वगैरह भी हैं, इनके बहुत सारे प्रोडक्ट थे, मॉइस्चराइज़र वगैरह, एक मॉइस्चराइज़र मैंने इनका ट्राई भी किया, पहले भी मैं बहुत प्रोडक्ट्स मंगाती थी, मतलब मैंने वीडियो कभी नहीं डाला, तो मैं इसलिए वीडियो के अच्छे रिव्यू आ रहे थे तो फिर मैंने सोचा कि वीडियोज़ में लोगों को नॉलेज मिलती है तो मैं ईशा के प्रोडक्ट्स भी डाल दिया करूँ जब भी मंगाऊँ। और ये देखिए कुछ इस टाइप से है, इसमें कुछ नेचुरल ये डाला हुआ है, उससे ये स्क्रब होगा, मतलब इसमें कुछ मिलाया नहीं गया वैसा केमिकल टाइप का, इसमें नेचुरली कुछ ऐसी चीज़ ऐड की गई है जो कि स्क्रब का काम करेगी एलोवेरा के साथ। तो ये एलोवेरा की ये लेयर हो गई एंड ये स्क्रब वाला पार्ट हो गया, देखिए इस टाइप से बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है ये वर्क करेगा फाइनली, कुछ ये कुछ नेचुरली अपने सुखाते हैं, पहले के टाइम में सुखाते थे ना उसी का पीस लग रहा है मुझे कि सूखने के बाद वो ऐसा ही टेक्सचर होता है, ये नेचुरल है 100%। एंड बाकी कुकीज़ वगैरह ये तो कॉमन चीज़ें, ये सब तो मैं क्या ही खोल के दिखाऊँ आपको, एक ये मैं ये दिखा देती हूँ आपको, ये धूप जो मैंने मंगाई है, एंड आपको खानी कुकीज़ खा लो, तो किड्स को तो आपको पता है कि कुछ भी मीठा या कुछ देखते हैं, ओह माय गॉड ये तो क्यूट है, सी दिस, इसे तो एक छोटा सा दिया भी दिया, कितना तो क्यूट सा दिया है उसके लिए देखिए इस टाइप से पैक हो गया है, पूरा नेचुरल पैक है, तो आपको अलग से कुछ लेना भी नहीं पड़ेगा, अगर दिया तो वैसे सबके घर पे होता ही है मेटल का, लेकिन ये कुछ क्यूट सा दिया साथ में दी गई है, बहुत सोच समझ के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ईशा में। तो इस टाइप से ये देखिए स्टैंड एंड दिस वन दैट पॉइंट, कितना क्यूट लग रहा है ना, तो इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है, तो पैक खोलने से पता चला कि फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। तो इस टाइप से पैक को अंदर में है विद दिया, ये हो गया, एंड बाकी चीज़ें तो सब वही हो गया। एक मैं ये दिखा देती हूँ आपको सम्रानी कैसा होता है, इस टाइप का आपने बहुत यूज़ किया होगा, अगर आप सम्रानी नहीं यूज़ कर सकते तो गाय के गोबर के उपले जो आते हैं ना जो बने हुए, वो भी आप घी डाल के डेली आप ऑन करो तो उससे भी घर का वातावरण बहुत शुभ होता है। तो मैं उपले भी घर में बहुत सारे रखती हूँ, तो कभी कभी मुझे ये अगर टाइम नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये ऑन करने में, तो मैं वो भी गाय के उपले वाला जो छोटा छोटा राउंड बना हुआ आता है मैं कभी शेयर करूँगी मेरे ब्लॉग में। तो देखिए कुछ इस टाइप से कुकीज़ है, पार्ट ने पहले कुकीज़ खुलवाई है मुझसे, तो काफ़ी थिक कुकीज़ होती है इनकी, देखिए एक दो कुकीज़ में ही आपका पेट भर जाए, इतनी थिक कुकीज़ है, बहुत अच्छी गुड़ ये सब डाली भी है विट लो। तो ये देखिए हम अपना प्रोडक्ट देखते हैं पूजा पाठ का, तो ये रहा,
और इसमें भी क्यूट सा दिया है जो उसमें था, देखिए अंदर भी अच्छी सी पैकिंग ऐसे ही नहीं आई है, इस पे ऊपर से ऐसे कवर करके आया है और ये ऐसे ताकि आपका ये हिले नहीं। एंड इसके अंदर बहुत ही क्यूट सा ये दिया है एंड आपके सम्रानी रखेंगे, ये एक सम्रानी रखा हुआ कप के अंदर और सम्रानी ऐसे बहुत केमिकल वगैरह नहीं डाली हुई, देखिए सम्रानी निकल जा रही है। तो ये बहुत अच्छी नेचुरल है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही दूर से ही, देखिए। तो ये हमें इसमें दिए में रख के करना है ऑन इस टाइप से, या फिर बड़ा दिया ले लो क्योंकि सम्रानी बहुत गर्म होती है तो थोड़ी निकलने लग जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, आई थी डोंट थिंक कि वो ओरिजिनल सम्रानी थी क्योंकि थोड़ी उसमें मुझे इशू लग रहा था, वो जल्दी ऑन भी नहीं होती थी। अब ये वाली मैं ऑन करके देखूंगी। और इसमें लिखा हुआ है ऑल सिक्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, तो मैं से इंग्रेडिएंट आपको बता देती हूँ उसमें क्या है, हाउ टू यूज़। हाँ तो काउ डंग है, वाइट गम दमार एंड ब्लैक दमार, स्पेन डस्ट, इस टाइप से कुछ कुछ इसमें दिया हुआ है। तो बेसिकली जो भी है ये ओरिजिनल चीज़ ही है क्योंकि सम्रानी मेरे पास एक ओरिजिनल थी फॉरेस्ट एसेंशियल की, लास्ट टू इयर्स बैक मेरे पास क्या कहते हैं एक सम्रानी का ओरिजिनल उनका पैक आया मिला था मुझे गिफ्ट में, पूरा होम एसेंशियल का किट था जिसमें होम घर के लिए फ्रेगनेंस थी और बहुत बड़ा सा दिया था उनका सेरामिक्स का और सम्रानी की पूरी प्योर की पैकेट थी और इतना बड़ा मैच बॉक्स था, वो बहुत ही क्यूट सा मेरे को गिफ्ट सेट फ्री मिला था शॉपिंग पे। तो उसमें जो सम्रानी का कलर था और सेम ये कलर भी सेम वैसा ही है, वो सम्रानी में बस थोड़ी सी रखी हुई क्योंकि ओरिजिनल थी तो मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया, उसको संभाल के रखा हुआ था मैंने अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चमन प्राश है, आई थिंक ये प्रॉपर पैक होगा। हाँ तो ये मैं बाद में खोलूँगी, इसकी पैकिंग ठीक है, जो अपना ये नॉर्मल चमन प्राश प्लास्टिक की पैकिंग में आता है वैसा ही है इसमें। एंड ये जो कॉफ़ी है ये अभी तो मैं नहीं पी सकती, अभी मेरा ऑटोफेजी चल रहा है, मैं जब भी ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी। वैसे मैंने ये घर में पार्थ के लिए और हितिन के लिए मंगाया बिकॉज वो लोगों ने टी कॉफ़ी वो लोग नहीं पीते, तो वो लोग ने ये अल्टरनेटिव मंगाया है ताकि हेल्दी भी रहे और प्लस हमारा जो कुछ गर्म पीने का मन होता है कभी कभी कुछ चीज़ों के साथ, तो उसके लिए परफेक्ट है ये कॉम्बिनेशन। तो मैं करती हूँ ब्लॉग का यहीं पर एंड, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और कोई भी चीज़ का लिंक या कुछ चाहिएगा तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर कमेंट में बता दूंगी कौन सा लिंक कहाँ है और क्या प्रोडक्ट किधर मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे आई कप जो कॉपर का ये मिला है पार्क के लिए, कि ये मुझे डेली इसको यूज़ करवाना है उसकी आइस के लिए और आई होप उसकी आइस पे पॉजिटिव इफेक्ट हो उसका। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो और आप सभी को राधे राधे, और यहाँ तक वीडियो आपने देखी है पूरी कंप्लीट तो उसके लिए थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल, मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ नया वीडियो में लाती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। कोई भी मैं ऐसा नहीं है कि प्रमोशन या किसी और चीज़ के लिए वीडियो शेयर करती हूँ, मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।